सत श्री अकाल जी, क्या हाल चाल। मेरा नाम है गुरप्रीत एंड वेलकम बैक। आज के व्लॉग में नहा तो के रेडी हो चुका हूँ और ये है नेक्स्ट व्लॉग। पहले मैं शिमला गया था, शिमला से भी आगे कुफरी से कल आया था और रात यहाँ पे रुक के अभी आर्टिका गाड़ी लेके इधर चंडीगढ़ में लोकल ही जाना है 30-40 किलोमीटर, वो मैं बताता हूँ कहाँ पे। अभी फिलहाल मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी है, चलते चलते बातें करते हैं। ये राहुल अपना सुत्ता पै जी, अमृतसरिया ये अपना बैग और ये बैग, ईयरफोन, चार्जर और बस यही उठाना है और शूज़ पहनने हैं। जल्दी जल्दी चल भी मित्रा। मैं तैयार शार हो गया था और उधर अपनी गड्डी खड़ी जी जा रहा था और जपन का दोबारा फ़ोन आ गया, कह रहा है कैंसिल होगी, कोई और गड्डी चली गई है, तो इसलिए अब दोबारा बैग इधर यहाँ पे रखते हैं। पिछले ब्लॉग में मैंने बता भी दिया कि इधर लोकल ड्यूटी जा रहा हूँ 30-40 किलोमीटर। चलो कोई नहीं, ऐसा ही होता है, ये ड्राइवर जिंदगी एवें दी हुंदी। ड्राइवर महकमा जी पुछो ना, खाना पीना नींद सारा कुछ भुलना पैंदा है। कई बार तो सुते रहिए तो सुते ही रहिए, ऐसी जिंदगी है। चलो फिलहाल तो कूलर की हवा खा के ठंडे रेस्ट करने हैं जी। और वो खड़ी हुई आर्टिगा, ये लेकर जाता हूँ। इधर पार्किंग काफ़ी खुली है तभी इधर सारे ड्राइवर रहते हैं। दोपहर के 12 बज चुके हैं, अभी भी कोई राइड नहीं आई है, बस कूलर के ठंडी हवा में पड़े हुए हैं वेले। शाम के 7 बज गए और मौसम है जी बिल्कुल ठंडा ठार है, नज़ारा बुल्ले आ देखो। और अपनी गड्डी अभी वैसे की वैसे ही खड़ी है, अभी तक तो कोई बुकिंग मिली नहीं है। ते अपना है जी, ओ जपन आर्टिकल फ्री लगे फिर मौसम दे नाम दिया ले की चीज ग्लो चेक कर, ग्लो ग्लो ना ना मेरे इधर हाथ नहीं पाता। ओ मैं गुरुआ बिना दाढ़ी वाले बंदे ना गल नहीं करता, तू सज्जन है ता करके मैं सुसाइड कर रहा हूं। हां मैं कूद रहा हूं इधर से। चलो कोई राइड जी तो मिल नहीं रही है दोस्तों, किथे जाना दसो, ले चलिए। सही गल है, ए ए जी मुंडा जेड़ा अपन नु उधर शिमले कदे किधर भेजदा है दोस्तों। वे तो साडी गड्डियां खलोती के ने किथे जाना है, बुक कर लो यार। हां देखो सही गल है, ये वेले ही हां। ओ एक्चुअली ना सानू लग रही सी गर्मी जी, असी फिर शिमले तो जेड़ा मौसम है उन्नु फरियाद जी कीती सी इधर नु लैण दा। असी साढ़े हत्थां चो साडी अक्खां चमत्कार ने, आ वेख लो एक हत्थ चो चमत्कार, आ देख लो दिखाई मड़ा यार इधर फोन इत्थे। कैमरा चंगा है कि वैसे सोना हो गया। ओ दाढ़ी वेख लो ने दी दाढ़ी, ओ माय गॉड सोना मुंडा जी सोना। अज 120 रुपये ला गए हां कुड़ियो, नंबर चाहिए तो मैं नंबर डिस्क्रिप्शन च पा दांगा। कुड़ियां तो दूर, अच्छा कुड़ियां ते नशियां तो दूर है। अच्छा नहीं चलो नशियां तो चंगी गल है, कुड़ियां तो क्यों भाई यार कहंदे ने जेड़ा ठंडी ठंडी थोड़ी कट्टे मिट्टी वाली हवा दे नजारे ले रहे हैं। इधर जपन के शहरीमान शहरीमान सारी जनता हम बालकनिया च आ के आनंद मान डई है, हवा दे दोपहरे सारे बैड तोड़ी गए ने, कूलर ए सी आप कूलर दे। मातड़ा छड़ता ही मैम ने इतने फिर किन्ने पैसे दिते ही? 8000। अमृतसर तो चंडीगढ़ है ये जी, ये साड़ी शख्सियत जेड़ा इनू मैम नू लेके आया इत्थे, ये परसनली जानते ने परसनली चढ़ाई है चढ़ाई मातड़ दी अमृतसरिये दी। जी की फतेह, श्री भगवती जी साज वार, श्री भगवती जी की पातशाही दसवें प्रथम भगवती सिमर कह गुरु नानक लई इतिहास फरंग गुरु ते अमरदास राम दासे होई साज अर्जन अर्ग बिंद नो। तो यार एक बुरी खबर है, अमन जो मेरे साथ रहता है अपना दोस्त अपना भरा, उसके मम्मी जी की डेथ हो चुकी है, कैसे लंग्स में इन्फेक्शन हो चुकी थी और एडमिट थे एक हफ्ता तकरीबन 10 दिन एडमिट रहे थे और काफ़ी सही हो भी हो गए थे लेकिन बाद में फिर एक्सपायर हो गए। 5
पांच तरीक नूं जी मैं उत्थों चंडीगढ़ तो इत्थे आ गया, फिर छे तारीक नूं संस्कार टाइम ही एग्जैक्ट टाइम ते मैं पहुंचा वैसे 12:01 बजे ते अंतिम अरदास ते अज भोग फुल चुगन तो बाद सारा कुछ फिर वापस चला जाना। तो बड़ा ज़्यादा दुख होया सुन के, कई वारी तो पहला तो यकीन ही नहीं होया यार, नाल दा छोटा भरा है मेरा, सोचे व्लॉग च दसना जरूरी है, चलो एक यादगार जी भी रह जाएगी, छोटी जी क्लिप्स भी मैं ला दी वैसे तो। ते अज शाम नूं निकल जाना वापस चंडीगढ़, कैब ले के अपने बेली सूरत बाई है उनकी गड्डी लैके फिर अगे कुल्लू मनाली जाना है कस्टमर नूं लैके, फिर दो दिन इत्थे एंड इसके बाद शाम को चलते हैं फिर सीधे चंडीगढ़, दैट्स इट। अमन का पिंड है इधर इधर जी, और मेरा पिंड है जी इससे आगे वो वहाँ पे, ये अपना पिंड है जी और इधर अपना घर है इधर इधर, ये बाहर पिंड के बाहर वाली साइड ते जी अपना घर कुछ ए आ आ आ आ आ आ आ आ ते आए जी साडा छोटा जा पांजा, हेलो कर दे, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू द व्लॉग, वेलकम बैक। ये था मेरा स्टडी रूम, पहले व्लॉग्स आपने देखे थे, और अभी है यहाँ पे किचन, किचन लग रहा है, सामान समून रखा हुआ है।